वेलकम बैक स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपकी ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बीएससी बीएड फर्स्ट और बीएससी फर्स्ट। सब्जेक्ट आपका जूलॉजी और ये बुक आपकी कौन सी है, ये है इनवर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स बुक। और ये पार्ट नंबर आपका रहेगा 16। इनवर्टिब्रेट्स बुक्स के अंदर हम पढ़ रहे हैं पैरामीशियम्स के बारे में। पैरामीशियम्स के बारे में हमने पिछली क्लास में अध्ययन किया है कि पैरामीशियम में किस प्रकार का जनन होता है, किस प्रकार का इसमें रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन की विधि का अध्ययन किया है। पैरामीशियम्स में जो रिप्रोडक्शन का मेथड होता है सामान्यतः एसेक्सुअल और सेक्सुअल, दो प्रकार का इसमें रिप्रोडक्शन मेथड पाया जाता है। रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम, रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम। पैरामीशियम में रिप्रोडक्शन के टाइप कितने हैं, इन दी टाइप आर टू टाइप्स। कितने टाइप हैं, टू टाइप्स। हमने एक टाइप तो पढ़ा है इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और नेक्स्ट पार्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि दो प्रकार का जनन के बारे में अध्ययन किया है। यानी कि पैरामीशियम में सामान्यतः इन दो विधियों के द्वारा ही जनन की विधि होती है। इसमें जो होती है वो आपकी बाइनरी फिजन होती है, बाइनरी फिजन। और इसमें क्या होता है, इसमें कॉन्जुगेशन की प्रक्रिया होती है, यानी कि संयुग्मन की प्रक्रिया होती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये तो पैरामीशियम में जनन की मुख्य विधियाँ हैं, ठीक है। इसके अलावा भी पैरामीशियम में प्रतिकूल परिस्थितियों में कुछ विधियों के द्वारा जन्म हो सकता है और उन विधियों की चर्चा आज की क्लास में हमें करेंगे। वो कौन कौन से मेथड हैं जिनके द्वारा सेक्सुअल और एसेक्सुअल का जो मुख्य रिप्रोडक्शन के अलावा भी उसमें रिप्रोडक्शन होता है। यानी कि ये क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एब्रेंट बिहेवियर, एब्रेंट बिहेवियर इन पैरामीशियम, पैरामीशियम रिप्रोडक्शन, पैरामीशियम रिप्रोडक्शन। यानी कि पैरामीशियम के जनन का विपत्ति व्यवहार, पैरामीशियम के जनन का विपत्ति व्यवहार के नाम से इसे जाना जाता है, एरेंट बिहेवियर्स इन पैरामीशियम्स रिप्रोडक्शंस। यानी कि ये विपत्ति व्यवहार जिसके द्वारा पैरामीशियम जनन करता है ये अनेक विधियों से हो सकता है। इसमें जो विधियां आती है वो सबसे पहले हम बात करते हैं एंडोमिक्सिस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, सबसे पहला इसमें मेथड आता है एंडोमिक्सिस, सबसे पहला मेथड आता है इसमें एंडोमिक्सिस, एंडोमिक्सिस, एंडोमिक्सिस। जो एंडोमिक्सिस एक विपत्ति व्यवहार पैरामीशियम में ये रिप्रोडक्शन में पाया जाता है, इसका सबसे पहले अध्ययन किया था वुडरफ और अर्डमान ने। किसने किया था, इसका सबसे पहले अध्ययन किया था वुडरफ एंड अर्डमान ने, इसका सबसे पहले अध्ययन किया था। ये क्या है, ये जो आपका एंडोमिक्सिस है, एंडोमिक्सिस के अंदर क्या होता है, एंडो का अर्थ होता है अंत है, मिक्सिस का अर्थ होता है मिलना, किसका मिलना, केंद्रकों का आपस में मिलना। ये जो आपका एंडोमिक्सिस है होता तो लगभग आपका जो हमने पढ़ा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ट्रांस कॉन्जुगेशंस पढ़ा है, कॉन्जुगेशंस के समान ही होता है, लेकिन कॉन्जुगेशन में दो पैरामीशियम होते हैं, जबकि एंडोमिक्सिस की प्रक्रिया जो होती है केवल एक ही पैरामीशियम के अंदर ही संपन्न
होती है। तो एंडोमिक्सिस में क्या होता है, देखिए स्टूडेंट्स, कि एक पैरामीशियम होगा, एक पैरामीशियम होगा। इस पैरामीशियम्स के अंदर हमें पता है कि दो आपके न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। कितने न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं? दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। एक जो न्यूक्लियाई होगा वो आपका मैक्रो होगा और एक क्या होगा? माइक्रो होगा, ठीक है। तो पैरामीशियम जब एंडोमिक्सिस विधि के द्वारा रिप्रोडक्शन करना प्रारंभ करता है तो सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले इसके अंदर जो आपका मैक्रोन्यूक्लियस है, मैक्रोन्यूक्लियस डीजनरेटेड हो जाता है। क्या हो जाता है? सबसे पहले जो मैक्रोन्यूक्लियस होता है वो डीजनरेटेड हो जाता है। तो क्या हो गया? डीजनरेटेड ऑफ मैक्रोन्यूक्लियस, मैक्रोन्यूक्लियस यानी कि सबसे पहले जो मैक्रोन्यूक्लियस होगा वो हो जाएगा डीजनरेटेड। जब मैक्रोन्यूक्लियस डीजनरेटेड हो जाता है तो फिर क्या होता है कि जो आपका माइक्रोन्यूक्लियस बचता है, कौन सा बचता है? माइक्रोन्यूक्लियस। अब ये माइक्रोन्यूक्लियस क्या करेगा? अब ये माइक्रोन्यूक्लियस डिवाइड होगा। डिवाइड कैसे होगा? डिवाइड होगा तो इससे बनेंगे 8 न्यूक्लियाई बन जाएंगे। कितने न्यूक्लियाई बन जाएंगे? 8 न्यूक्लियाई बन जाएंगे, यानी कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, यानी कि 3 टाइम डिवाइडेड ए माइक्रो न्यूक्लियस, यानी कि जो माइक्रो न्यूक्लियस होगा वो 3 बार विभाजन करेगा। जब माइक्रो न्यूक्लियस 3 बार विभाजन करता है तो क्या होता है स्टूडेंट्स, कि 8 माइक्रो न्यूक्लियस बन जाते हैं। अब ये 8 माइक्रो न्यूक्लियस है, इनमें से जो आपके 6 माइक्रो न्यूक्लियस है वो डीजनरेटेड हो जाते हैं। कितने माइक्रो न्यूक्लियस डीजनरेटेड हो जाते हैं? 6 माइक्रो न्यूक्लियस क्या हो जाते हैं? डीजनरेटेड हो जाते हैं। तो देखिए, जब 6 माइक्रो न्यूक्लियस डीजनरेटेड हो जाएंगे, 6 माइक्रो न्यूक्लियस डीजनरेटेड हो जाएंगे तो बचेंगे कितने? केवल 2 माइक्रो न्यूक्लियस बच जाते हैं, यानी कि छह माइक्रो न्यूक्लियस डिजनरेटेड हो जाते हैं, बचते कितने हैं? 2। अब 2 माइक्रो न्यूक्लियस युक्त ये जो पैरामीशियम होगा ये क्या करेगा? ये डिवाइडेड इनटू टू डॉटर पैरामीशियम्स, यानी कि ये जो पैरामीशियम्स होगा ये बीच में बाइनरी फ्यूजन मेथड द्वारा 2 पैरामीशियम में क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाता है। ये एक पैरामीशियम ये बन गया आपका और एक पैरामीशियम है ये बन गया। तो इस प्रकार से जब ये 2 पैरामीशियम्स में डिवाइड होगा तो दोनों में से जो माइक्रो न्यूक्लियाई है 2 में से एक एक पैरामीशियम में चला जाता है। तो इस प्रकार से ये जनन है। अब क्या होता है कि इसमें फिर जो है विभाजन की प्रक्रिया होती है, इसके केंद्रक विभाजन की प्रक्रिया होती है। तो केंद्रक विभाजन कितनी बार होगा? केंद्रक विभाजन होगा 2 बार। 2 बार इसमें विभाजन की प्रक्रिया होगी और ये विभाजन होगा, ये आपका माइटोसिस डिवीजन होगा। कौन सा डिवीजन होगा? माइटोसिस डिवीजन इन पैरामीशियम, यानी कि पैरामीशियम में जब ये माइटोसिस डिवीजन होगा, होगा कितनी बार? 2 टाइम्स। कितनी बार होगा? 2 टाइम्स, यानी 2 बार होगा। तो 2 बार होने से इसके अंदर कितने पैरामीशियम बन जाएंगे, यानी कि इसके अंदर तो कितने न्यूक्लियस बन जाएंगे? 2, एक न्यूक्लियस से कितने बन जाएंगे? 4। और इसी प्रकार से ये जो पैरामीशियम था आपका दूसरे वाला, इसमें भी कितने बन जाएंगे? इसमें भी आपके 4 न्यूक्लियाई बन जाएंगे। तो इस प्रकार से दोनों डॉटर पैरामीशियम में 4 न्यूक्लियाई बन जाते हैं, 1 से 4 न्यूक्लियाई बन जाते हैं। अब 4 न्यूक्लियाई में क्या होगा कि आपके इसके 2 न्यूक्लियाई क्या हो जाएंगे? 2 न्यूक्लियाई क्या हो जाएंगे?
संयोजित हो जाएंगे। संयोजित हो जाएंगे तो दोनों न्यूक्लिया का संयोजन होना ये एक प्रकार का संयुग्मन ही होता है, या केंद्रकों का इसे पुनर्गठन भी कहा जाता है। अब ये केंद्रकों का पुनर्गठन होकर, यानी कि दो माइक्रो न्यूक्लियस जब संयोजित होंगे तो एक माइक्रो न्यूक्लियाई बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक माइक्रो न्यूक्लियाई बन जाएगा। इसी प्रकार इसमें भी संयोजन होगा, तो संयोजन होगा तो क्या होगा? एक माइक्रो न्यूक्लियाई बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक माइक्रो न्यूक्लियाई बन जाएगा। ये माइक्रो न्यूक्लियाई बन जाएगा। मैक्रो न्यूक्लियाई बड़ा केंद्रक बनता है, तो दोनों जो माइक्रो न्यूक्लियाई संयोजित होंगे तो क्या होंगे? मैक्रो न्यूक्लियाई बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? मैक्रो न्यूक्लियाई। अब ये जब मैक्रो न्यूक्लियाई जब बन जाते हैं तो प्रत्येक पैरामीशियम के अंदर दो कितने बच जाते हैं, यानी कि टू क्या बच जाते हैं? टू बच जाते हैं माइक्रो न्यूक्लियाई बच जाते हैं, यानी कि दो जो माइक्रो न्यूक्लियाई बच जाते हैं। अब ये पैरामीशियम डिवाइड अगेन, यानी कि पैरामीशियम दोबारा विभाजित होगा, तो एक पैरामीशियम से कितने बन जाएंगे? एक पैरामीशियम से दो पैरामीशियम में और बन जाएंगे, और दोनों पैरामीशियम जो बनते हैं उनमें से दो केंद्रक में से एक एक जो माइक्रो न्यूक्लियाई है प्रत्येक ड्योटर पैरामीशियम के अंदर चला जाता है, और जो मैक्रो न्यूक्लियाई है ये भी विभाजन के द्वारा, जब इसमें बाइनरी फ्यूजन होता है तो इस मैक्रो न्यूक्लियाई का भी बाइनरी फ्यूजन होकर दो मैक्रो न्यूक्लियाई एक एक पैरामीशियम में चले जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो जनन है ये एक ही पैरामीशियम के अंदर ही केंद्रकों का क्या होता है? संलयन होता है। जब एक ही पैरामीशियम में जब केंद्रकों का संलयन हो रहा है तो इसे हम एंडोमिक्सिस की प्रक्रिया कहा जाता है। ठीक है, इसे एंडोमिक्सिस की प्रक्रिया बोला जाता है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इसमें जो एबरेंट्स बिहेवियर है, यानी कि मुख्य जनन विधि के अलावा जो जनन विधि है वो क्या है? ये आपकी है ऑटोगेमी। क्या है? ऑटोगेमी। ऑटोगेमी क्या बोलते हैं? स्वक युग्मन। यानी कि ऑटोगेमी भी एक प्रकार की जो आपकी जो कॉन्जुगेशंस का मेथड था सेम उसी प्रकार का होता है, लेकिन इसमें दो पैरामीशियम के अलावा केवल एक ही पैरामीशियम में संपन्न होता है, अर्थात एक पैरामीशियम के जो केंद्रक हैं उन्हीं केंद्रकों का संलयन होता है और नए पैरामीशियम में बनते हैं। तो ये जो युग्मन है, जो ऑटोगेमी है, ये ऑटोगेमी में एक ही पैरामीशियम में उसी प्रकार का संयुग्मन होता है जिस प्रकार का कॉन्जुगेशन में होता है। तो इस प्रकार का मेथड कभी कभी देखा गया है स्वक युग्मन के द्वारा। अब देखो स्वक युग्मन में क्या होता है, स्वक युग्मन में वही प्रक्रिया होगी। एक आपका पैरामीशियम है, एक पैरामीशियम के अंदर एक जो मैक्रो न्यूक्लियाई है और एक है माइक्रो। ये कौन सा है? मैक्रो न्यूक्लियाई, और एक क्या है? माइक्रो न्यूक्लियाई। अब इसमें मैक्रो न्यूक्लियाई क्या होता है? मैक्रो न्यूक्लियाई छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइडेड हो जाता है। जब ये मैक्रो न्यूक्लियाई छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइडेड होगा तो डिवाइडेड होने से क्या होता है कि इसके ये टुकड़े हैं ये डीजनरेटेड हो जाते हैं। क्या होते हैं? डीजनरेटेड ऑफ माइक्रो न्यूक्लियाई, यानी कि डीजनरेटेड मैक्रो न्यूक्लियाई, यानी कि डीजनरेटेड होकर ये क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। बचता कितना है? केवल और केवल एक आपका माइक्रो न्यूक्लियाई बन जाता है, जबकि मैक्रो न्यूक्लियाई डीजनरेटेड हो जाता है। अब जो बचा हुआ एक जो माइक्रो न्यूक्लियाई है, ये क्या करता है? ये विभाजन करता है। विभाजन किस प्रकार का करता है? विभाजन इसमें होगा वो अर्धसूत्री प्रकार का होता है। किस प्रकार का होता है? मियोसिस टाइप का डिवीजन होता है। मियोसिस
डिवीजन इन माइक्रो न्यूक्लिए। जब माइक्रो न्यूक्लिए में मियोसिस डिवीजन होगा तो माइक्रो न्यूक्लिए में मियोसिस डिवीजन के द्वारा तो कितने न्यूक्लिए बन जाते हैं, इसमें 8 न्यूक्लिए बन जाते हैं। कितने न्यूक्लिए बन जाते हैं, 8 न्यूक्लिए बन जाते हैं। और ये जो बनने वाले न्यूक्लिए होते हैं क्या होते हैं, अगुणित होते हैं। बनने वाले न्यूक्लिए क्या होते हैं, बिल्कुल अगुणित होते हैं। अब इन 8 के अंदर से जो 7 न्यूक्लिए हैं वो डिजनेटेड हो जाते हैं। 8 में से 7 क्या हो जाते हैं, डिजनेटेड हो जाते हैं। तो 8 में से क्या होता है, 7 जो माइक्रो न्यूक्लिए हैं, 7 माइक्रो न्यूक्लिए डीजनरेटेड। बचता कितना है, केवल एक ही माइक्रो न्यूक्लिए इसके अंदर बच जाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो एक माइक्रो न्यूक्लिए है, अब ये एक माइक्रो न्यूक्लिए फिर डिवाइडेड होगा और डिवाइडेड होकर कितने माइक्रो न्यूक्लिए बना लेगा, ये 2 माइक्रो न्यूक्लिए बना लेता है। और जैसे ही ये 2 माइक्रो न्यूक्लिए बना लेता है तो इसका जो ओरल ग्रू होता है या वेस्टिब्यूल होता है, वेस्टिब्यूल के पास में एक कोन बन जाती है। क्या बन जाती है, कोन बन जाती है। तो कोन यानी कि एक शंकु बन जाता है, यहाँ पर एक कोन यानी कि शंकु बन जाता है। और ये जो बने हुए दोनों माइक्रो न्यूक्लिया है इस कोन के अंदर क्या हो जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। जब ये दोनों न्यूक्लिए इस कोन के अंदर क्या हो जाएंगे, प्रवेश कर जाएंगे। और कोन में प्रवेश करके ये दोनों न्यूक्लिए आपस में क्या हो जाते हैं, संयोजित हो जाते हैं। जब ये दोनों न्यूक्लिए आपस में संयोजित हो जाएंगे तो ये एक द्विगुणित केंद्र का निर्माण कर लेते हैं। किसका निर्माण कर लेते हैं, एक द्विगुणित केंद्र का निर्माण कर लेते हैं। अब ये द्विगुणित केंद्र का निर्माण करने के बाद ये जो आपके माइक्रोन्यूक्लियाई हैं, माइक्रोन्यूक्लियाई जब संयोजित होते हैं तो इसे बोलते हैं सिनकैरियन के नाम से भी जानते हैं, सिनकैरियन्स या केंद्रक संलयन भी कहा जाता है। अब ये केंद्रक संलयन केवल एक ही पैरामीशियम के केंद्रकों के अंदर हो रहा है, इसलिए इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं माना जाता है। अब देखिए, अब ये जो संयोजित होने वाले केंद्रक हैं फिर ये क्या होंगे, फिर डिवाइडेड होंगे और डिवाइड होकर क्या बना लेंगे, ये डिवाइड होकर 1, 2, 3, 4 यानी कि 4 केंद्रकों का क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं। अब 4 केंद्रकों का निर्माण कर लेते हैं, अवस्था कौन सी है, 2-1 स्टेज है इनकी, यानी कि द्विगुणित अवस्था है। अब 4 केंद्रकों का निर्माण करने के बाद इनमें वही प्रक्रिया होती है कि इनके जो 2 केंद्रक हैं वो क्या हो जाएंगे, 2 केंद्रक आपस में, जो 2 माइक्रोन्यूक्लिए आपस में संयोजित हो जाएंगे। 2 माइक्रोन्यूक्लिए जब आपस में संयोजित होंगे तो एक बड़ा केंद्रक बन जाता है, यानी कि एक मैक्रोन्यूक्लिए का निर्माण कर लेते हैं। जब मैक्रोन्यूक्लिए, जबकि 2 छोटे केंद्रक यानी कि माइक्रोन्यूक्लिए बच जाते हैं। अब ये जो पैरामीशियम है ये क्या होगा, ये डिवाइड होगा, क्या होगा, डिवाइड होगा। तो डिवाइड होगा तो इसका जो मैक्रोन्यूक्लिए है वो भी क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। जबकि माइक्रोन्यूक्लिए डिवाइड होने वाले जो पैरामीशियम है, जो बनने वाले डॉटर पैरामीशियम है, प्रत्येक एक डॉटर पैरामीशियम के अंदर चला जाएगा, एक मैक्रोन्यूक्लिए हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, माइक्रोन्यूक्लिए। तो इस प्रकार से 2 डॉटर पैरामीशियम्स का निर्माण हो जाता है और इस प्रक्रिया को ऑटोमिक्सिस के नाम से जाना जाता है। ऑटोमिक्सिस में क्या होता है, ऑटोमिक्सिस में एक ही पैरामीशियम्स के जो केंद्रक हैं उनका संलयन हो रहा होता है, इसलिए इस क्रिया को ऑटोमिक्सिस के नाम से जाना जाता है। ये इसी प्रकार की क्रिया है जिस प्रकार से आपका कॉन्जुगेशन हुआ था, कॉन्जुगेशन के समान ही एक प्रक्रिया होती है। अब नेक्स्ट एबरेंट बिहेवियर देखते हैं कि नेक्स्ट एबरेंट बिहेवियर यानी कि जो रिप्रोडक्शन की विपथन व्यवहार विधि है वह कौन सी है, ठीक है। नेक्स्ट एबरेंट बिहेवियर मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शंस वह आपका साइटोगेमी, कौन सा है, साइटोगेमी। अब देखिए स्टूडेंट्स, साइटोगेमी क्या है,
साइटोगेमी जो है आपके किस प्रकार की है? साइटोगेमी की खोज सबसे पहले की थी विजरमैन ने। कौन से वैज्ञानिक थे? विजरमैन एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने पैरामीशियम में साइटोगेमी रिप्रोडक्शन की खोज की थी। साइटो का अर्थ क्या होता है? साइटो का अर्थ होता है कोशिका, ठीक है, और गेमी का अर्थ होता है जुड़ना या गेमेट बढ़ना। अब देखिए ये उसी प्रकार का रिप्रोडक्शन है जिस प्रकार का आपका क्या था, कॉन्जुगेशन था। कॉन्जुगेशन में क्या था कि दो पैरामीशियम थे, कितने पैरामीशियम थे, दो पैरामीशियम, और आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। अब देखो कॉन्जुगेशन और साइटोकॉमी में थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है वो देखो कि जो कॉन्जुगेशन था उसमें क्या था कि जो आपका माइक्रोन्यूक्लियाई है, माइक्रोन्यूक्लियाई दोनों ही जो पैरामीशियम है एक दूसरे से क्या कर रहे थे, एक्सचेंज कर रहे थे, आदान प्रदान कर रहे थे। लेकिन जो आपका ये साइटोगेमी है, साइटोगेमी में दो पैरामीशियम आपस में जुड़ते तो हैं, लेकिन क्या होता है कि जुड़ने के बाद जो केंद्रक बनते हैं, इन केंद्रकों का एक दूसरे पैरामीशियम में किसी भी प्रकार से आदान प्रदान नहीं होता है। यानी कि जब किसी भी प्रकार से आदान प्रदान नहीं होता है तो आदान प्रदान नहीं होने के कारण यानी कि एक ही पैरामीशियम के केंद्रक विभाजित होते हैं और आपस में जुड़ जाते हैं। अर्थात देखिए इनका जो माइक्रो न्यूक्लियस है, सबसे पहले देखिए माइक्रो न्यूक्लियस होगा वो क्या होगा, माइक्रो न्यूक्लियस दोनों का डिजनरेटेड हो जाता है। जब माइक्रो न्यूक्लियस दोनों का डिजनरेटेड हो जाता है, दोनों में क्या बचता है, माइक्रो न्यूक्लियस डिजनरेटेड हो जाता है तो बचता क्या है, माइक्रो न्यूक्लियस। अब माइक्रो न्यूक्लियस क्या होगा, डिवाइडेड होगा, क्या होगा, डिवाइडेड होगा। जब माइक्रो न्यूक्लियस डिवाइडेड होता है तो क्या होता है कि एक दो तीन और चार माइक्रो न्यूक्लियस बन जाते हैं। इसके अंदर भी एक दो तीन और चार माइक्रो न्यूक्लियस, और ये जो विभाजन होता है ये अर्धसूत्री प्रकार का होता है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो बने हुए माइक्रो न्यूक्लियाई है, माइक्रो न्यूक्लियाई के अंदर जो आपके माइक्रो न्यूक्लियस जो हैं ये दो संलयित होकर क्या बनाते हैं, एक मैक्रो न्यूक्लियस का निर्माण कर लेते हैं, एक मैक्रो न्यूक्लियस का निर्माण कर लेते हैं, और फिर इसमें क्या बचते हैं, दो माइक्रो न्यूक्लियस बच जाते हैं। अब ये दोनों माइक्रो न्यूक्लियस क्या करेंगे, विभाजन के द्वारा दो पैरामीशियम बनते हैं, दो पैरामीशियम जो डॉटर पैरामीशियम बनते हैं उसमें चले जाएंगे, और जो ये माइक्रो न्यूक्लियस है, जो मैक्रो न्यूक्लियस है, ये भी डिवाइड होकर दो भागों में बंट जाता है, जो समान पैरामीशियम में चला जाता है। अब देखिए ये प्रक्रिया दोनों ही पैरामीशियम में समान होती है, लेकिन इनमें किसी भी प्रकार का जो माइक्रो न्यूक्लियस है उसका आदान प्रदान नहीं होता है। जब माइक्रो न्यूक्लियस का आदान प्रदान नहीं होता है तो ये प्रक्रिया एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समान नहीं होती है, केवल एक ही पैरामीशियम में संपन्न होने वाली विधि होती है। तो ठीक है, तो ये आपका पैरामीशियम्स के अंदर रिप्रोडक्शन्स किस प्रकार से होता है, रिप्रोडक्शन्स के बारे में था। अब हम नेक्स्ट क्लास में आपके हम चर्चा करेंगे कि जो आपके प्रोटोजोआ है, उससे पहले हमने चर्चा भी कर ली है जब हमने पढ़ाया है कि जितने भी प्रोटोजोआ पढ़े हैं, प्रोटोजोआ के अंदर चाहे आपने यूग्लिना पढ़ा है, पैरामीशियम पढ़ा है, या आपका ये जो अमीबा है, अमीबा के बारे में पढ़ा है कि इनमें किस प्रकार से क्या होता है, इनमें किस प्रकार से गमन की प्रक्रिया होती है, यानी कि लोकोमोशंस के बारे में पढ़े हैं कि प्रोटोजोन्स जो जंतु हैं उनमें गति किस प्रकार से होती है, गति के बारे में पढ़ेंगे, और प्रोटोजोआ में जो गति है, गति के संबंध में विशिष्ट प्रकार के आपके सिद्धांत भी दिए गए हैं, उन सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से सिद्धांत हैं, वो सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास आती है कि न्यूट्रिएशंस, वैसे तो हमने न्यूट्रिएशंस की बात कर ली है जीवों के अंदर, फिर भी प्रोटोजोआ के अंदर न्यूट्रिएशंस यानी कि पोषण किस प्रकार से होता है, एक बार से उसकी फिर से चर्चा करेंगे, क्योंकि ये आपका अलग से टॉपिक दिया गया है इसलिए न्यूट्रिएशंस की भी हमें चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे।